नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मोन्नति टैलेंट। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू साइंस चैप्टर नंबर 9 मूवमेंट इन एनिमल्स। आवर टॉपिक इज मूवमेंट इन कॉकरोचेस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवमेंट इन कॉकरोच। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि कॉकरोच एक इंसेक्ट होता है, राइट फ्रेंड्स? और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉकरोच अपने मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करता है, यानी कि कॉकरोच कैसे वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है, उसके कौन कौन से बॉडी मसल्स और विंग्स उसके बॉडी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स लुक अबाउट इट। कॉकरोचेस कैन वॉक, स्विम एंड फ्लाई। A cockroach has no bones but has an external skeleton that protects its body. A cockroach has 6 jointed legs and 2 pairs of wings. So friends, अब हम बात करते हैं कॉकरोच की। फ्रेंड्स, हमने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा, हमने अपने हाउसेस में देखा होगा कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो 3 मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। यस फ्रेंड्स, एंड दीज 3 मूवमेंट्स आर वॉक, स्विम एंड फ्लाई। यानी कि फ्रेंड्स, जो कॉकरोच होते हैं वो चलते भी हैं, वो स्विम भी करते हैं और वो फ्लाई भी करते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर जनरली हम देखते हैं तो कॉकरोचेस सिर्फ वॉक ही करते हैं। बहुत ही रेयर केस में जो कॉकरोचेस होते हैं वो स्विम करते हैं और बहुत ही कम टाइम वो फ्लाई करते हैं, राइट फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं कॉकरोच के बॉडी की। तो फ्रेंड्स, जो कॉकरोच होता है उसके पास कोई बोन्स नहीं होती। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर कॉकरोच की पिक्चर देख सकते हैं तो कॉकरोच में कोई सभी बोन्स नहीं होते हैं, बट उसके एक एक्सटर्नल स्केलेटन होती है जो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अभी एक्सटर्नल स्केलेटन क्या हुआ? एक्सटर्नल स्केलेटन यानी कि जो कॉकरोच होता है उसका एक आउटर बॉडी पार्ट होता है जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो उसके एक्सटर्नल स्केलेटन है, यानी कि बाहरी स्केलेटन। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की, तो उनके पास स्केलेटन होता है और ये स्केलेटन किसी मसल से नहीं बना होता, ये स्केलेटन बना रहता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बोन्स से। Yes, friends. और स्केलेटन होने के कारण जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनके पास एक वर्टिब्रेट रहता है जो हमारी बॉडी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी एक वेल डेवलप्ड बॉडी मूवमेंट है। बट जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक कॉकरोचेस हियर वी आर सीइंग, तो इन सबके पास बोन्स नहीं होते जिनके कारण इनकी एक अच्छी बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाती, इसीलिए ये जनरली क्रॉल करते हैं, यानी कि रेंगते हैं, या फिर ये ज्यादातर स्मॉल डिस्टेंस तक ही चल सकते हैं क्योंकि इनके पास बोन्स नहीं है, इनके पास वर्टिब्रेट नहीं है और ये इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कॉकरोचेस को कौन दो बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द विंग्स एंड सेकंड इज द लेग्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉकरोच है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि टू आपको स्किनी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा देंगे, ये उसके विंग्स हैं। यस फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कॉकरोचेस की, तो कॉकरोचेस की टू पेयर्स ऑफ विंग्स होती है, यानी कि एक जोड़ा विंग यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट पर और एक जोड़ा विंग उसके नीचे, तो ऐसे करके उसके दो पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करते हैं लेग्स की, तो लेग्स सबसे मेन बॉडी पार्ट है उसका जो कि उसको वॉक करने में हेल्प करता है। मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द लेग्स एंड द विंग्स हेल्प कॉकरोचेस टू मूव। दे कैन वॉक एंड क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स and leg muscles. They fly short distances with the help of their wings and wing muscles. So friends, जैसा कि हम सभी को पता है कि wings fly करने के लिए होते हैं और legs चलने के लिए होते हैं. Okay friends, तो जो muscles होते हैं जो legs से attached हैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि earth पे जितने भी organisms हैं, उन सब के पास muscles हैं. Right friends, हमारे पास muscles हैं, हमारे legs में muscles हैं, हमारे hands में muscles हैं, तभी हम किसी भी चीज को lift कर पाते हैं, walk कर पाते हैं, अपने body movement को कर पाते हैं। उसी तरह से जो cockroach है उसके पास भी muscles रहते हैं, ये muscles legs और wings से attached रहते हैं। Of course, अगर ये legs से attached है तो ये walking करने में help करेंगे, cockroaches को crawl यानी कि walk करने में help करेंगे, उसको चलने में मदद करेंगे। वही अगर हम बात करते हैं wings की, तो दो उसके पंख होते हैं जो उसको
फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, तो वहां पर भी मसल्स अटैच्ड हैं। तो ये जो विंग्स के मसल्स होते हैं, जो विंग्स होती हैं, वो उसको शॉर्ट डिस्टेंसेस में फ्लाई करने में हेल्प करती है। हमने देखा भी होगा कि कॉकरोचेस समटाइम्स ओनली कि वो शॉर्ट डिस्टेंसेस फ्लाई भी करते हैं, क्योंकि उनके पास विंग्स हैं। That means, और अगर हम बात करते हैं स्विमिंग की, तो कॉकरोचेस रेयरली, अगर उनके पास वाटर है, तो कुछ कुछ कॉकरोचेस की स्पीशीज ऐसे भी होती है जो वाटर में स्विम कर पाती है, बट नॉट एट अ हाई लेवल, स्मॉल लेवल वाटर में ही वो स्विम करते हैं। दिस इज द टॉपिक मूवमेंट इन कॉकरोचेस ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 9 मूवमेंट इन एनिमल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।